हाँ भाई, शॉट रेडी है ना? शुरू करते हैं, ठीक है? चालू करें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे अरे अरे, 2 मिनट रुकना, ठीक है? अरे यश भाई, हेलो, आ रहा हूँ। क्या बात, बड़े दिनों बाद मिले। क्या मिले, तुम तो दिखाई भी नहीं देते हो, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। कहाँ रह रहे हो आजकल, और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, सब सही चल रहा है, अभी तो फिलहाल BSc चल रही है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमारी तो BSc हो गई, बस जिंदगी के मजे ले रहे हैं। अच्छा, सही है। हमारे तो अगले हफ्ते से एग्जाम है, बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अरे यार, क्या तैयारी में लगे हुए, जैसे कोई IIT का एग्जाम हो। शाम को हमारे साथ बैठा करो, लाइफ एंजॉय करो, यही तो टाइम है। हाँ यार, वो सब तो सही है, पर एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो थोड़ी सी टेंशन तो होगी ना। अरे क्या शुरू होने वाले हैं, टेंशन काय को लेते हो? चिल मारो यार, बच्चे ही रहोगे, हमने भी तो एग्जाम दिए हैं। एग्जाम से पहले पढ़ के 2 दिन पास हो जाते हैं, काय को टेंशन लेते हो? बस हो गए पास, हो गई BSc, और क्या है, नो झंझट। कौन पढ़ेगा BSc में इतना, क्या कर लोगे पढ़ के इतना BSc में? BSc तो है, और रखाई क्या है BSc में? BSc पढ़ के क्या कर लोगे? बस तुम्हारी शादी हो जाएगी, नौकरी तो मिलने से रही। मैं तो यही कहूंगा कि BSc को जाने दो एक तरफ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। BSc में कुछ नहीं रखा है, इसे पढ़ के कोई कलेक्टर नहीं बना आज तक। BSc में टाइम वेस्ट मत करो, शुरू शुरू में हमारे अंदर भी बहुत जोश था, कुछ नहीं कर पाए हम, कुछ नहीं होता BSc पढ़ के। टोटल टाइम वेस्ट, 3 साल बर्बाद और हो गए हमारे। बस BSc की डिग्री दिखा करके तुम्हारी शादी हो जाएगी, नेकद बात है, पढ़े लिखे तो माने जाओगे, और कुछ नहीं होना BSc करके, कोई जॉब नहीं मिलती है। और तुम BSc में दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत तो कभी इंटर में भी नहीं करी जितनी इसमें कर रहे हो, क्या फायदा इतनी मेहनत करके? ये सब छोड़ और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, BSc को जाने दे एक तरफ साइड से। अगर BSc में कुछ नहीं रखा है, इसे पढ़ के कोई कैरेक्टर नहीं बना आज तक, मैं तो यही कहूंगा कि BSc को जाने दो एक तरफ, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। BSc में कुछ नहीं रखा है, इसे पढ़ के को। सो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी मोस्टली हर उस स्टूडेंट की जो BSc कर रहा है। देखा आपने किस तरह से और कितना ज्यादा खराब हो चुका है स्टूडेंट का माइंडसेट, और कितना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। पर टेंशन मत लो, आज यहाँ पर आप आए हो तो यहाँ से आप एक मोटिवेट होकर जाओगे, आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर होंगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और मैं केवल BSc की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रहा हूँ जो एक जरिया है किसी बड़े मुकाम तक पहुँचने का। स्टूडेंट के अंदर कोई सी भी ग्रेजुएट डिग्री हो, उसको बस यूं ही हल्के में लेना, ये जो प्रोसेस आ गई है माइंड में, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं केवल BSc की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रहा हूँ जो एक जरिया है किसी बड़े मुकाम तक पहुँचने का। सर, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो, आपको पता है कि इससे जाकर के आगे आपको क्या मिलने वाला है। ये एक जरिया है जो मुकाम आप पाना चाहते हो, उस तक पहुंचने का, आपका जो फेवरेट गोल है वहां तक पहुंचने का। और आपका गोल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस गोल तक के सफर में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट करके रख देंगे, और आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, दूसरों की बातों में आकर के स्टूडेंट्स अपने गोल से भटक जाता है, पढ़ाई में बिल्कुल इतना सा मन नहीं लगता है, बिल्कुल डिमोटिवेट और स्ट्रेस, बस जॉब 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 के पीछे भागते रहते हैं। देखिए, बड़ा ही आसान वे से समझते हैं ये चीज क्या है। देखिए, कुछ नहीं है, बस माइंडसेट का खेल है। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, यहाँ पे ये सारा खेल है माइंडसेट का। 3 तरह के भैया यहाँ पे माइंडसेट होते हैं, ध्यान से समझना, आज के बाद ये थिंकिंग दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, इन्हीं में सारा खेल खत्म हो जाता है, मोटिवेट का और डिमोटिवेट का। देखिए क्या है, पहला माइंडसेट, हम BSc केवल एक ग्रेजुएट डिग्री के लिए कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो गोल है भैया, उसका BSc से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम केवल BSc एक ग्रेजुएट डिग्री के लिए कर रहे हैं ताकि मान्य हो जाए कि हाँ, हम ग्रेजुएट हैं। हमारा जो गोल है भैया, उसका BSc से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ये हो गया भैया पहला माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट भैया, ये पता ही नहीं है क्या करना है, बस कुछ भी करे, कुछ भी करना पड़ जाए, हम कुछ भी करेंगे, तरह तरह के कोर्स करेंगे, हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, बस कैसे भी करके हमारी एक जॉब लग जाए, दूसरा माइंडसेट। चलिए पहले बात करते हैं इस फर्स्ट टाइप के माइंडसेट पर, BSc केवल एक ग्रेजुएट डिग्री के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, उसका अगर BSc से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में, हाँ मैं आप कह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आप BSc को साइड में जाने दीजिए, बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पासिंग मार्क्स आ जाएं बहुत है, ध्यान से समझना भैया। लेकिन ये तभी करना है कब, जो आपका गोल है भैया BSc का, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस कंडीशन के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में BSc पर ध्यान ना भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो फोकस करना है अपने गोल पर करना है, BSc से अगर उस गोल का कोई लेना देना नहीं है तब। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदारी में आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सभी यही गोल अपना रहे हों,
जरूरी तो नहीं है ना। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप इसलिए सही हैं क्योंकि आपका गोल अलग है, आपका जो गोल है भैया बीएससी से बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी से कहोगे जा करके कि भैया बीएससी को साइड में जाने दो, बेशक उसका गोल आपके गोल से बिल्कुल अलग है लेकिन ये बात आपको पता नहीं है, आप अपने गोल में सुइटेबल है, अपने गोल में आप अच्छे से सेटिस्फाई हैं, तो आप दूसरों को जाके बोलने लग जाते हैं भैया कि बीएससी को साइड से जाने दो, किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, बिना ये जाने कि उसके मन में क्या है, उसका जो गोल है वो क्या है, बिना ये जाने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे देखिए क्या होता है, देखिए मैं गलत नहीं बता रहा किसी को, सब लोग सही हैं अपनी अपनी जगह पर। देखिए मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, आपका जो टारगेट है भैया उसका बीएससी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप बीएससी को साइड में जाने दीजिए, या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, सिंपल बीएससी की बात ही नहीं कर रहा मैं, कोई सी भी ग्रेजुएट डिग्री हो, अगर आपका ताल्लुक नहीं है आपके गोल से उस ग्रेजुएट डिग्री का, तो आप ऐसी कंडीशन में अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को भी वही एडवाइस देने लगें और दूसरों को डिमोटिवेट करने लगें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि उसका भी गोल वही हो। अभी बंदा बीएससी कर रहा है या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है, उसको पता है कि उसके बाद उसे क्या करना है। अगर ऐसी कंडीशन में आप उसे कहोगे जा करके कि बीएससी को साइड में जाने दे, तो भैया यहाँ पे उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, उसके पढ़ने की बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और ऐसे ही करके स्टूडेंट्स का मन भटक जाता है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही हो, लेकिन दूसरे को जानने से पहले, दूसरे को कुछ भी बोलने से पहले उसका गोल समझना सीखो, या शांत रहो। फ्री का एडवाइस आजकल किसी को हजम नहीं होता है। आप अपने गोल के साथ सेटिस्फाई हो, सामने वाला अपने गोल के साथ सेटिस्फाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बोलना शुरू कर दो कि बीएससी का कोई मतलब नहीं है, करने दो साइड से जाने दो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो। सामने वाले का जब मन नहीं है तो मत कहो उससे, ठीक, पल्ले पड़ा। अब सेकंड वाले बात करते हैं, पता नहीं है क्या करना है, कुछ भी करके बस कोई जॉब मिल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे माइंडसेट के लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको खुद नहीं मालूम है ये क्या करना है, इनको बस इनसे कोई कुछ भी कह दे ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और कुछ दिनों का जोश दिखाते हैं फिर बाद में बैठ जाते हैं। इनको खुद नहीं मालूम है क्या करना है, बस इन्हें कोई सी जॉब चाहिए, चाहे बीएससी करनी पड़े चाहे आईआईटी करनी पड़े, इन्हें बस यही मतलब है हमें जॉब चाहिए, इनका इंटरेस्ट कुछ नहीं ढूंढते, ये अपनी स्किल्स किस में है ये सब कुछ नहीं ढूंढते। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना है, बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक। इस तरह के लोग, इस तरह के माइंडसेट वाले लोग बहुत से मिलेंगे लाइफ में, जिनको बस जॉब चाहिए, आपसे भी यही कहेंगे कि बस जॉब, बस जॉब, बस जॉब, स्किल इंटरेस्ट गया भाड़ में, बस जॉब 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 का नारा देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट ख़राब हो सकता है, आप अपनी पढ़ाई में लचक सकते हो, दिक्कतें हो सकती हैं। आप एक समय में एक ही काम करो लेकिन उसमें अपना 100% दो, मैं यही कहूँगा। और इस कैटेगरी को जो लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है, भैया आपको पता है कि सामने वाले का जो गोल है वो बीएससी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन अगर फिर भी वो आपसे आके कह रहा है कि बीएससी को साइड से जाने दो, ग्रेजुएट डिग्री को साइड से जाने दो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में। यार बहुत सारे लोग आएंगे, अगर उनसे डिमोटिवेट हो गए तो आगे कैसे लड़ पाओगे, समझ रहे हो। तो भैया इस तरह के माइंडसेट के लोगों से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि भैया बीएससी करने से कुछ नहीं होगा, अरे उसने कह दिया कैसे नहीं होगा। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो ना, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ना तुम क्यों कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री को क्यों कर रहे हो, वो एक रास्ता है किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने का, आपको पता है। तो किसी की बातों में आकर के बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है और ना अपनी पढ़ाई को त्यागना है। स्टूडेंट्स में बहुत सारे देखे क्या करते हैं, अगर उनसे ऐसा कोई बोल देता है तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है क्या है, चलने तो हल्के में, किसी भी ग्रेजुएट डिग्री को वो हल्के में ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखो भैया, ऐसे माइंडसेट और ऐसा माइंडसेट, इनके बीच में कौन पिसता है भैया, ये वाले लोग। इन दोनों माइंडसेट के बीच में पिसते हैं ये वाले लोग, जिनका गोल तक पहुंचने का रास्ता ही वो ग्रेजुएट डिग्री है। बहुत सीरियस कंडीशन होती है भैया इस टाइप के स्टूडेंट्स की। एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो गोल है वो हाल फिलहाल तो मिलने वाला है नहीं, उसमें लगेगा काफ़ी टाइम, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आसपास होते हैं उनके आगे से और पीछे से इन दो माइंडसेट से घिरे रहते हैं। अब चाहे वो रिश्तेदारी की बात में कर लूँ, चाहे आपके घर में बात कर लूँ, ऐसा ही होता है मुझे मालूम है। तो इन पर जो कहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इधर से भी प्रेशर आएगा, इधर से भी प्रेशर आएगा। ये लोग कहेंगे अरे बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ो यार, किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, और ये लोग कहेंगे अरे पहले जॉब लगाओ, जॉब पहले का लगाओ, जॉब लगाओ, तुम क्या कर रहे हो कि यार ग्रेजुएट डिग्री कोई डिग्री है, कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती, केवल तुम्हारी शादी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इससे, ये लोग ये कहेंगे। बीच में बेचारे पिसते हैं इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो टेंशन नक्को लेने का बहुत अच्छा एक रामबाण उपाय लेके आया हूँ कि इन दोनों कैटेगरी के माइंडसेट को किस तरह से इग्नोर करना है और इनका कोई प्रभाव अपनी लाइफ पर नहीं पड़ने देना है।
अपने आप पर भरोसा करना है, मैं मालूम भैया हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आपको इसके बाद आपको आईआईटी एग्जाम देना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का टीचर बनना है, तो ये बात आपको पता है ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, टाइम लगेगा, तसल्ली करो। इन ऐसे लोगों के माइंडसेट के बीच में पिसने की जरूरत नहीं है। दो माइंडसेट के चक्कर में न जाने कितने स्टूडेंट्स पिसते हैं और अपना जो टारगेट होता है दुनिया के डर से अपना रास्ते बदल देते हैं। वो कहते हैं पहले जॉब लाओ, और जे लोग कोई नहीं है, ये आपके आसपास के चारों लोग हैं, अब चाहे रिश्तेदारी में कह लो, चाहे ताऊ का लड़का हो, चाहे मामा का लड़का हो, चाहे ताऊ खुद ना क्यों ना हो। मैंने देखा है बहुत सारा यार, रिश्तेदारी में मिल जाते हैं, घर परिवार में मिल जाते हैं, ये दो माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, भरे पड़े हैं, इनके बीच में पिसते हैं बेचारे ये स्टूडेंट्स। मैं चर्चा करता हूँ अपने जैसे स्टूडेंट्स की तरफ जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिएगा, कंडीशन नंबर वन, देखिए पहली कंडीशन है यहाँ पे, इन दोनों को आपको किस तरह से बैलेंस करना है। मुझे मालूम है आपके घर पड़ोस में इस तरह के सोच के बहुत से लोग हैं, लेकिन इनको बैलेंस करना सीखो। ऐसे तरह के सोच को आपको किस तरह से बैलेंस करना है, देखिए कंडीशन नंबर वन, देखिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी खासी है, यानी कि एवरेज है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पापा मम्मी काम कर रहे हैं, पापा काम कर रहे हैं, उससे आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट्स की लाइफ अगर आप जी रहे हो, तो ऐसी कंडीशन भैया इन दोनों माइंडसेट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। कुछ भी कहता रहे तू, हमें कोई मतलब नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हमको मालूम है क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी खासी है तब ठीक, यानी कि पैसों की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से अपना खर्चा निकाल पा रहे हो, आराम से पढ़ पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो पूरा फोकस है यहाँ पर देना है, ना कोई जॉब की तैयारी के लिए भटकना है, ना कहीं भटकना है, बिल्कुल नहीं भटकना है। हाँ, अगर चाहते हो कि इतने पर भी आप छोटा मोटा खर्चा निकाल सको, तो कोई छोटी मोटी जॉब कर लो पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम नहीं देना, पार्ट टाइम के लिए जॉब करनी है, लेकिन बड़ा सोच समझ के करनी है भैया, क्योंकि यहाँ पर अगर जॉब बीच में आ जाती है, यानी कि ये आपका गोल है, ये आप हैं, बीच में प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ आप जॉब में घुस गए, काम में घुस गए भैया, जॉब में, जॉब का बवंडर बहुत तगड़ा होता है, इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका फुल इंटरेस्ट है इस टारगेट तक पहुँचने के लिए, मनी कम पड़ गई है थोड़ी सी, ये मैं तब बता रहा हूँ जब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, यानी कि आपको थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं भैया, जॉब पकड़ते हैं। अब जॉब देखो कैसे पकड़ते हैं, जॉब में मान लो घुस गए बिना सोचे समझे घुस गए, पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, घुस गए जॉब में, किसी ने कह दिया घुस गए। अब जी भैया चक्कर काटते रह गए, पूरी ज़िंदगी निकल गई, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी की है, एक जॉब में फंस के रह जाते हैं, यहाँ तक वो निकल ही नहीं पाए, फिर वो जन तक पहुँचे ही नहीं, वो टारगेट टारगेट ही रह गया, सपना सपना ही रह गया। ये चीज़ फैक्ट है, मैंने खुद एनालाइज किया ये चीज़। स्टूडेंट जो क्या है, एक बार अगर जॉब में घुस गए किसी भी बिना सोचे समझे घुस जाते हैं, तो भैया वहाँ से निकलना बड़ा टेढ़े खीर है, उसमें घुस गए तो भैया आज तक नहीं निकल पाए। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मेरे घर परिवार में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास ही कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी एक ही जॉब करते आ रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में लगाई थी उसी में फंसे रह गए, शादी वगैरह सब कुछ हो गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक वो वही जॉब कर रहे हैं, उनका जो ड्रीम था, जो टारगेट था भैया, वो ड्रीम का ड्रीम ही बना रह गया। तो भैया स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बड़ा सोच समझ के जॉब चुनना, मैं अभी भी यही कहूँगा, किसी भी जॉब को पाने से पहले अपने टारगेट पर देख लेना भैया कि मुझे इसके लिए कितना टाइम चाहिए, क्योंकि भैया एक जॉब लगते ही भैया इसको भूल जाओगे, फिर आप ऐसा होता है, जॉब ऐसी पकड़ना कि जिसमें आपको इतना टाइम मिल सके, इतना सोचने का टाइम मिल सके, मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी स्थिति अभी क्या है, ऐसी जॉब पकड़ना पार्ट टाइम में, आपको सजेस्ट करूँगा पार्ट टाइम में किसी कॉलेज या स्कूल में देख लेना, या कोई भी जॉब करना, कॉलेज स्कूल छोड़ो, मतलब पार्ट टाइम में ऐसी जॉब करना कि कम से कम आपको 5 से 6 घंटे बच जाएँ, पैसा बेशक कम मिलेगा लेकिन उससे थोड़ा सा आपको राहत तो मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम उसी में घुस गए तो उसी में फंसे रह गए और जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कि जॉब में आपको इस तरह से घुसना है कि भैया उसमें आपको इतना टाइम मिल जाए कि आपका जो ड्रीम है, जो टारगेट है, आप उसमें भी टाइम दे पाएँ, आप उसकी भी प्रिपरेशन साथ में कर पाएँ, तो कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इन दोनों के तरह के माइंडसेट को बिल्कुल जाने दीजिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है या वीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आपको जॉब करनी चाहिए बीच में, लेकिन ऐसी जॉब करना भैया कि जिस तरह से आपको पार्ट टाइम में ऐसा काम भी मिलता रहे और 5 से 6 घंटे आप अपने टारगेट को भी दे पाएँ। बस ज़रूरत है तो बस खुद पर विश्वास की, कोई कुछ भी कहता रहे भाड़ में जाने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत से काम करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये सोच गलत नहीं है, इस कैटेगरी के जो लोग हैं मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, वो अपनी जगह पर सही थे, उनके लिए ये चीज़ सूटेबल थी, ये इनके लिए ये चीज़ सूटेबल है, और इनका कुछ अता पता ही नहीं है।
इस कैटेगरी के लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर एक बार इनकी चंगुल में फंस गए तो भैया जी आप लोगों को भी अपनी तरह डिसबैलेंस कर देंगे, भगाते भगाते थका देंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने ऊपर 100% भरोसा कीजिए और एक समय में एक ही काम कीजिए लेकिन अपना 100% दीजिए। रिजल्ट नहीं आया तो मुझसे कहना, और डिमोटिवेट तो बिल्कुल होना ही नहीं है। और पूरी मेहनत और लगन के साथ अभी जो आप कर रहे हो उसमें अपना 100% दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप आगे चल के सक्सेस करोगे। और जॉब का फंडा बता दिया है, उस तरह से आराम से चलो। स्टूडेंट समझ आया कि जी डिमोटिवेट और मोटिवेट ये सारा खेल भैया माइंडसेट का है। तो आई होप आज के बाद आप इस चीज़ों में उलझ करके डिमोटिवेट नहीं हो गए और ना कभी पढ़ाई से निराश हो गए। अगर निराश हो जाओ इस वीडियो को एक बार शुरू से एंड तक दोबारा देख लेना। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड और रिश्तेदार तक पहुंचाओ जो डिमोटिवेट हैं बहुत ज़्यादा, जो अपनी पढ़ाई से निराश हो चुके हैं और जो निराश करने का काम करते हैं, उनको भेजो। भैया कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह चाहिए हैं, बस माइंडसेट का खेल है। इनकी कंडीशन और सिचुएशन अलग थी, इनकी अलग है और इनकी बहुत अलग है। इन तीनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सब अपनी जगह सही है। मैं किसी को ना गलत ठहरा ना उन्हें सही ठहरा रहा हूँ, सब सही है और सभी गलत है। लेकिन अगर ये आपस में मिक्सित हो गई तो सब गलत गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, डिमोटिवेट मत होइए, अपना हर काम में 100% दीजिए। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक स्टूडेंट लाइफ को जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी को बखूबी आपके सामने बयां करने की, उनको समझने, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना। तो एक स्टूडेंट्स की जो क्या फीलिंग्स होती हैं, उसके क्या क्या प्रेशर पड़ता है, सब कुछ मैं भी फील कर सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया आपको इस वीडियो में बखूबी बताने का कि आपको ऐसे लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है ना, यही टाइम होता है मोटिवेट और डिमोटिवेट का। अगर यहीं से आपका माइंडसेट खराब हो गया तो यार पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, समझ रहे हो। तो बस इसी के साथ मैं यशवर्धन धनगुड़िया आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले दिन सेम टाइम, तब तक ले सी यू टुमॉरो।